नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए क्वेश्चन लाए हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सरलीकरण। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन तमाम क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, इसी के विषय में आज हम जबरदस्त तरीके से आपके पास प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आता है और सिर्फ देख कर ही आप आंसर को जो है कर सकते हैं, वो भी लाजवाब क्वेश्चन के आंसर जो है किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, इसी के विषय में हम यहाँ पर बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, जरूर आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रहा, ऐसे हम इस पर टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देते हैं 6, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट तक यहाँ पर जाएगा और रूट रहेगा दोस्तों, इस पर रूट रहेगा, देन इस पर रूट रहेगा, देन इस पर रूट रहेगा, देन इस पर रूट रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये चीज़ सीखिए कि सिर्फ देखकर ही आंसर कैसे क्लिक करिएगा। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ डिजिट को चेक कीजिए कि यहाँ जो डिजिट है वो कितने डिजिट है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे 6 6, यानी कि 6 अनलिमिटेड तक गया। डॉट डॉट का कहना का मतलब होता है इन्फिनिटिव, कितने तक, इन्फिनिटिव तक गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ये जो 6, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन है कि इस 6 को फैक्टर करिए। तो फैक्टर करिएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब 6 हो जाएगा, अब इसमें आंसर कैसे खोजेंगे? दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका, या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर 2 होगा। अब इसमें 2 कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा, इसी चीज को हमको पता करना है। यदि दोस्तों यहां पर प्लस प्लस में रहा, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्लस प्लस में रहा तो फैक्टर, जो भी फैक्टर हम लोग करेंगे, जो भी फैक्टर हम सभी करते हैं उसमें जो बड़ा वाला जो वैल्यू होगा, जो भी संख्या बड़ा होगा वही हमारा उत्तर होगा। यानी कि इसमें 3 बड़ा है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3। अगर यही इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस 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 रहता तो उस कंडीशन पर हमारा जो आंसर आता वो कितना आता, 2 आता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर दे दिया जाए 12 प्लस 12 प्लस 12, इस प्रकार से करके अनलिमिटेड तक दे दिया जाए और सभी में क्या कर दिया जाए दोस्तों, रूट, इस प्रकार से रूट अगर लगा दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। सेम थिंग्स अभी आपको बताएं, सबसे पहले संख्या का फैक्टर करिए, फैक्टर करिएगा दोस्तों तो 4 3 क्या होगा, 12। ठीक, अब प्लस में होने के कारण दोस्तों, प्लस में होने के कारण जो है हमारा जो संख्या होगा बड़ी वाली संख्या यानी 4, यही इसका क्या होगा उत्तर। याद रखिएगा फैक्टर जो है इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 6 × 2 = 12 इसका भी होता है, फैक्टर ऐसे भी हम कर सकते। लेकिन दोस्तों इन दोनों का एचसीएफ जो होता है वो 1 आना चाहिए, डिफरेंट समझ लीजिए, इन दोनों का डिफरेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। या आपको जो दोस्तों इन दोनों का जब एचसीएफ निकालने जाएंगे तब उसका 1 आएगा, तब वो रियल फैक्टर हुआ। फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे नहीं बनेगा। आई होप आप सभी समझ पाए। आइए कुछ और एग्जांपल लेते और आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करते। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहे हैं, जैसे कि हमारा है 110 माइनस 110 माइनस 110, इस प्रकार से लिया गया है दोस्तों। इस प्रकार से जैसे देख पा रहे माइनस अनलिमिटेड तक, इधर जो है आगे अनलिमिटेड तक गया। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके विषय में यहाँ पर देखिए, सिंपल सा अभी तरीका हम आपको बताएं, इसका फैक्टर करिए। तो फैक्टर करिएगा तो कैसे करिएगा दोस्तों, 11 × 10 11 × 10 गारो दहाएं कितना होते हैं, 110। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये सब माइनस में, माइनस में है। तो अगर दोस्तों माइनस में होने के कारण यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आप बेहतरीन से समझें, अगर क्वेश्चन माइनस में रहा तो छोटा वाला जो है आपका आंसर होगा, और अगर प्लस में रहा तो बड़ा जो वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर माइनस में, माइनस में होने के कारण 10 और 11 में छोटी कौन सी, 10 है, तो यही क्या है आपका उत्तर हो चुका, यही आपका क्या है आंसर आ चुका।
अब अगले कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं 85 का, 85 प्लस डॉट 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 तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सभी में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा ये इसी के बारे में जानिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि कौन सा उत्तर होगा। तो सबसे पहले यहाँ कौन फैक्टर आपको करना है, तो फैक्टर 85 का फैक्टर अगर हम करते हैं तो यहाँ पर फैक्टर क्या होगा, 17 × 85, यानी कि दोस्तों यहाँ जो फैक्टर हम करने के लिए जाएंगे तो इसका आंसर होगा 17 × 5। 17 × 5 कितना हो जाएगा हमारा, 85 हो जाएगा, 17 × 5 = 85 हो जाएगा। अब इसमें से देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 17 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिंपल अगर एक भाषा में अगर हम देखा जाए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन में ढूंढना है कि बड़ी और छोटी कौन सी है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे कौन सी संख्या है, अगली कुछ क्वेश्चन और देते हैं आपको ताकि अच्छा से समझ पाए। एक संख्या लेते हैं दोस्तों 72 का, ठीक है, 72 + 72 + 72, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ अनलिमिटेड तक जाएगा। सभी को क्या करेंगे हम, अंडर रूट लगा देंगे, सभी में अंडर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर 72 है तो 72 है यानी 72 है, तो 72 को क्या कीजिए, फैक्टर कर दीजिए। आप 72 को फैक्टर कैसे करेंगे दोस्तों, 8 × 9, 9 × 8 = 72 या 8 × 9 = 72, इसी प्रकार से इसको फैक्टर कर लेना। अब फैक्टर करने के बाद यहां पर संख्या देखिए क्या है, प्लस में, अब प्लस में है तो बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। इसका सही आंसर क्या होगा, 9। अगर यही चीज माइनस में रहता, यही चीज दोस्तों अगर माइनस में रहता तो, माइनस में रहता तो हमारा आंसर क्या होता, 8 हो जाता, ठीक है। आई होप आप सभी समझ पा रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स पर इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर हमें 56 का आंसर दे रहे हैं, 56 − 56 − 56 − ……, अगर दोस्तों इसका 56 करके अगर हम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम 56 − 56 का सभी का अंडर रूट अगर हम चढ़ा देंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर मैथ और रीजनिंग में महारथी हासिल करना चाहते तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को हिट करें और जुड़ जाए आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं वो टॉपिक्स जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे खास ट्रिक हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।